पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सिंध प्रांत में हुई हिंदू छात्रा की रहस्यमयी मौत की न्यायिक जांच शुरू कर दी है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज के अंतिम वर्ष की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता चंदानी को उसकी सहेलियों ने 16 सितंबर को मृत पड़ा देखा था। उस दौरान उसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। चंदानी के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद सिंध उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को चंदानी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है जिसमें लरकाना जिला और सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीश शुक्रवार से संबंधित सभी पक्षों का बयान दर्ज करेंगे। वो छात्रावास के कमरे में भी जाएंगे जहाँ नम्रता का शव मिला था और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सेलफोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी जाँच करेंगे। वहीं पुलिस ने चंदानी के कॉलेज से दो छात्रों मेहरान अब्रो और शान अली को गिरफ्तार किया है जिन्हें चंदानी का करीबी बताया जा रहा है। उनके सेलफोन और लैपटॉप की जांच की जा रही है। इससे पहले बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि चंदानी ने छात्रावास में अपने कमरे में छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। वहीं नम्रता के भाई डॉक्टर विशाल सुंदर ने दावा किया था कि आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई है। मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। आप क्या कहेंगे? मैं खुद शहजाद मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ डावा मेडिकल कॉलेज में। जो बच्ची को मैंने देखा है, जब कोई बंदा सुसाइड करता है उसका ऐसे वी मार्क निशान बनता है। मैंने खुद बच्ची की मूवी भी बनाई है, उसका निशान इस तरीके से। दूसरी बात, जो लड़की बच्ची को पहले रिसीव किया है उसने, वो बोल रही है कि उसको दुपट्टा पहना हुआ था। जो निशान है वो जैसे नहीं केबल वाली तार होती है वायर, उसका है। दूसरा, बच्ची को यहाँ पे भी जैसे कोई बंदा किसी को पकड़ता है वो भी निशान है, वो भी मैंने मूवी बना ली है। मैं चांडका मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली भले लड़के हों या लड़कियाँ हों, डियर पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ उठें। हम लोग मिनार्टी में हैं, कराची में मिनार्टी मेजार्टी ये कोई सिस्टम नहीं होता, बट इंटीरियर में होता है। शायद इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मैं अभी वहाँ पे डाव मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। गौरतलब है कि पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती हैं। अल्पसंख्यक लड़कियों को अगवा करना, सामूहिक बलात्कार करना, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने जैसी खबरें पाकिस्तान में आम बात हो गई।